Hello dear students of standard 7, today in this video I will teach you lesson 12 Ganeshotsav. Ganeshotsav, बच्चों हमारे देश भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिनका अपना अपना महत्व है. इनमें से एक है गणेश उत्सव. हमारे भारत में 13 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं कि इस उत्सव को मनाने के पीछे का रहस्य जानते हैं. तो चलिए आज हम इसी विषय पर बातें करते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई. यह उत्सव आप जानते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक देखने को मिलती है. इस प्रकार इस उत्सव के पीछे न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है. भारत पर्वों का देश है. हमारे पर्व हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा व भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं. ये हमारी संस्कृति की धरोहर है. हमारे देश में वर्ष आरंभ से वर्षांत तक कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, यानी वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के अंत तक लगातार कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है. वैसे तो भारत के प्रत्येक भाग और प्रांत के अलग अलग पर्व हैं, किंतु अनेकता में एकता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है. परिणाम स्वरूप कोई भी पर्व किसी एक प्रांत का ना होकर पूरे देश का हो जाता है. होली पर हर ओर गुलाल अबीर के बादल उड़ते हैं तो दिवाली पर हर दिशा दियों के प्रकाश से जगमगा उठती हैं. फिर चाहे ओणम हो या पोंगल या बिहू, पूरा देश उल्लास से उनके रंग में रंग जाता है. इनमें से ऐसा ही एक पर्व है गणेश उत्सव. इस गणेश उत्सव पर गणपति बापा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य के गगनवेदी नारों से भी सभी दिशाएं गूंज उठती हैं, यानी गगन को वेदने वाले ऊंची आवाज से सभी दिशाएं गूंज उठती हैं. बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता. इसे गणेश चतुर्थी अथवा विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है, यानी अगस्त सितंबर के महीने में. इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था. वैसे तो यह लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेश उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है. गणेश जी की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है. महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के रूप में पूजता है. दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है. मैसूर तथा तंजावर के मंदिरों में गणेश की नृत्य मुद्रा में मनमोहक प्रतिमाएं हैं. इतिहास के पन्नों पर यदि हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि छत्रपति शिवाजी के काल में भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था. उसी प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र में घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं. ये मूर्तियाँ प्रायः एक जैसी होती हैं. लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की स्थापना भी की जाती है. इन मूर्तियों का आकार बहुत बड़ा होता है. कई बार तो इनकी ऊँचाई 20-25 फुट तक होती है. घरों में यह मूर्ति कितने दिन तक रखी जाए यह उस घर की परंपरा पर निर्भर करता है. किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, तो कहीं 7 या 10 दिन तक रखी जाती है, अर्थात अनंत चतुर्थी तक रखी जाती है. इस प्रकार हम पाते हैं गणेश पूजा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है, किंतु सार्वजनिक रूप से मनाने की यह प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने में सन
1893 में आरंभ हुई, 1893 से आरंभ हुई। उन्होंने उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु समाज को संगठित करने का जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया। 1893 ईस्वी यानी 1893 ईस्वी के पहले भी गणपति उत्सव मनाया जाता था, पर वह सिर्फ घरों तक ही सीमित थी। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे और ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। बाल गंगाधर तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में माने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता, प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी मंच से तिलक भाषण देंगे तो वहां आग बरसना तय है। वे स्वराज के लिए, अपने देश की आज़ादी के पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात से अधिक लोगों को आकर्षित करना और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इस काम को करने के लिए ही उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और एक भव्य रूप दिया, जिससे हम आज गणेश उत्सव के दिन देखते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। इस त्योहार के पीछे भी एक रहस्य छिपा है जो इस प्रकार है। तो गणपति शैव परिवार के एक प्रमुख देवता है। इनका धड़ मनुष्य का और सिर हाथी का है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित है और शिव पुराण में बताई गई है। इस कथा के अनुसार हम यह देखते हैं कि कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने तन की मैल से एक सुंदर पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। एक दिन माता पार्वती स्नानगार के भीतर स्नान कर रही थी और पुत्र गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे कि भगवान शिव कई दिन की तपस्या के उपरांत घर लौटे। जब उन्होंने भीतर जाना चाहा तो उस अनजान बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोध आवेश में शिवाजी ने उसका सिर काट डाला और भीतर चले गए। जब पार्वती ने यह देखा तो वह शोक से व्याकुल हो गई। तब भगवान शिव ने एक हस्ती सावक का सिर काटकर उसके शरीर पर लगा दिया और वही गणपति हैं। गणपति को विघ्न विनाशक और बुद्धि दाता माना जाता है। वे लोगों के जीवन की सभी बाधाओं और मुश्किलों को हटाते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं। भारत में लोग कई नया कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए किसी कार्य के शुभ आरंभ करने को श्री गणेश करना कहा जाता है। इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। आइए हम देखते हैं कि यह कथा क्या है। एक बार सभी देवता मिलकर शिव पार्वती के पास कैलाश पर्वत गए और पूछा कि अग्र पूजा का अधिकार किसे मिलना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा उसे ही यह अधिकार मिलेगा। सभी अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल पड़े, किंतु गणेश जी ने बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से शिव पार्वती की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा कि उनके लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है। तब शिव जी उन्हें वरदान दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है, झूठा आरोप लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को
चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा था जिससे उन पर स्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। गणेश उत्सव के दिन में कई घरों में गौरी की पूजा भी की जाती है। इस उत्सव के दिन 10 दिन तक मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा और बालू घर घर नाचने आते हैं। ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्थी तक चलते हैं। पुराणों और हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह पर्व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और इस उत्सव के अवसर पर बड़ी सज धज के साथ पंडाल लगाए जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना और प्रवचन चलता रहता है। भारत भक्त भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, खास तौर से मोदक चढ़ाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, फिर अंत में एक दिन उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसके आगे लोग गणपति बापा मौर्य आदि गीत गाते नाचते और जय जयकार करते हुए चलते हैं। मूर्ति वाले रथ को खींचने के लिए लंबे लंबे रस्से बांधे होते हैं और उन्हें अनेक लोग खींचा करते हैं। लोगों का समूचा पूजा भाव साकार हो उठता है। अतः अंत में ये मूर्तियां समुद्र में विसर्जित कर त्यौहार का समापन होता है। इस प्रकार गणेश उत्सव श्रद्धा भक्ति प्रेम का पर्व तो है ही, इसके साथ ही साथ यह समानता भाईचारे और संगठन का संदेश भी देता है। एकता इनमें आती है और पूरा देश एकता के सूत्र में बन जाता है। कहा जाता है या कहा जा सकता है कि एक ओर इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महत्व भी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस गणेश उत्सव की ये कथा समझ गए होंगे और इस प्रकार इस पाठ में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।